लेकिन मनोज एक बार फिर सोच लो, तुम सचमुच दिल्ली छोड़ के जाना चाहते हो? इस घर से बहुत यादें जुड़ी हैं शगुन की रमन, अब मैं यहां नहीं रह सकता। मैंने जॉब से भी रिजाइन कर दिया है। तुम्हारे इतने इतने पेशेंट्स हैं, यू आर द बेस्ट डॉक्टर्स इन दिल्ली, सब कुछ अचानक छोड़ के जाना सही होगा? हाँ रमन, वो सब ठीक है, लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा यार। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो मुझे छोड़कर चली गई है। ऐसा लगता है कि अभी इस दरवाजे पर आई और मुझसे कही कि चलो मनोज डिनर पे चलते हैं। अगर मैं यहां रुका तो मैं जिंदगी भर उसी का इंतजार ही करता रहूंगा। रमन, प्यार तो मैंने किया है उससे, वो सिर्फ तुम्हारे कहने पर इस रिश्ते को एक चांस दे रही थी। मनोज देखो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे ये डुप्लीकेट चाबी, इसे खोलते हैं। इशिता, तुम अभी चिल्ला रही थी, क्या हुआ? हाँ, क्यों, क्या हुआ है? अरे लेकिन हमने सुना अभी तुम ठीक। मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। सॉरी, एक चीज। एक्चुअली मनोज, पिछले कुछ दिनों से इशिता बहुत वियर्ड बिहेव कर रही है। मुझे लगता है कि शगुन की मौत का सदमा लगा है उसे, बहुत स्ट्रेस्ड है। इस वक्त कुछ भी पूछोगे उसे समझ नहीं आएगा, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके। रमन चले। इशिता, ये क्या है? ये शगुन का सामान है, घर ले जा रही थी। शगुन की चीजें तुम मेरे साथ कैसे ले जाओगी? हाँ, बस कुछ चीजें
मुझे लगा शगुन के लिए बहुत खास होंगी। आई थॉट घर में ले जाके कहीं रख देंगे इन्हें। शिता, इट्स नॉट डन विद रमन। दैट्स ओके, अगर वो ले जाना चाहती है तो उसे ले जाने दो। रमन चले। देखिए तुम्हारे हाथ को जो ब्लीडिंग, ये सकता है वो पैक पैक करते समय कुछ लग गया होगा। इधर आप बैठो, इधर मैं लाता हूं। I'm okay, it's okay, that's fine। खून निकल रहा है। हाँ, ये